ब्रिटिश काल में शुरू हुआ कोलकाता ट्राम आज एक हेरिटेज राइड है। कई दशकों से ये ट्राम शहर के लोगों को अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। साथ में ये ट्राम सिस्टम एक एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन समय बदलने के साथ साथ शहर का ओल्डेस्ट ट्राम रूट भी बंद हो गया। अब गिने चुने कुछ रूट पर ही ट्राम्स चलती है। कुछ दिन पहले कोलकाता ट्राम्स के ऊपर मैंने एक डिटेल्स में वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल्स में शेयर किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, काफी सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आज जहाँ पूरे वर्ल्ड में एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर जोर दिया जा रहा है, काफी सारे शहर में ट्राम्स को मॉडर्नाइज करके चलाया जा रहा है, वही कोलकाता में ओल्डेस्ट ट्राम सिस्टम मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों ये ट्राम सिस्टम खत्म होने के कगार पर है और कैसे इस ट्राम सिस्टम को रिवाइव किया जा सकता है। खोरकपुर IIT के प्रोफेसर एंड ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट भार्गव मैत्रो के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया है जो कोलकाता ट्राम्स के ऊपर सर्वे का काम करेगा। इससे पहले स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड कोलकाता ट्रैफिक पुलिस इनके द्वारा दिए गए सजेशंस को एक्सेप्ट किया है। कोलकाता के पॉपुलेशन के हिसाब से ट्राम एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लेकिन फिर भी लोग क्यों इसे अवॉइड कर रहे हैं, ट्राम्स क्यों पीछे चला जा रहा है, ये टीम सब कुछ सर्वे करके रिपोर्ट तैयार करेगा। चुनिंदा कुछ ट्राम रूट को लेकर 5 से 6 महीने तक सर्वे किया जाएगा। ज्यादातर लोग किस टाइप का ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, यात्रिया किस तरह के ट्रांसपोर्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मन होने के बाद भी क्यों ज्यादातर यात्री ट्राम्स को अवॉइड करते हैं, ट्राम्स चलाने की टाइमिंग कितने लोगों को पता है, कितने इजीली ट्राम्स को लोग एक्सेस कर पाते हैं, ट्राम्स की कंडीशन कंफर्टेबल एंड सिक्योरिटी कितना है, ऐसे और भी काफी सारे सब्जेक्ट के ऊपर ये टीम सर्वे करेगा। सर्वे के आधार पर बनाया गया एक रिपोर्ट तैयार होगा जिसे स्टेट गवर्नमेंट को बाद में सबमिट कर दिया जाएगा। इसके बाद ट्राम्स को लेकर एक बड़ा बदलाव सरकार के तरफ से हमें देखने के लिए मिल सकता है, जो एनवायरमेंट एंड कोलकाता के लोगों के लिए भी खुशी की खबर होगी। साल 2016 में 25 रूट पर ट्राम्स चलती थी पूरे कोलकाता में, अभी सिर्फ 2 रूट पर ट्राम्स चलती है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए यूरोप के कई सारे शहर में ट्राम्स को एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के तौर पर चलाया जा रहा है। कोलकाता के ट्राम्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इसमें, अगर इसको प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए तो। ट्राम्स को चाहने वाले लोग भी ऐसा ही कुछ सोच रखते हैं। हालांकि सरकार का प्लान है आगे आने वाले समय में न्यू ट्राम्स को चलाने की। आपको क्या लगता है ट्राम्स के बारे में, आप अपना सजेशन कमेंट पर जरूर हमसे शेयर करिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।